एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। और आइए अब देखेंगे कर्नाटक राज्य की खबरें। सीएम येदियुरप्पा ने आदिन चुनचरगिरी मठ का दौरा किया। सीएम ने काल भैरव स्वामी की पूजा की। सीएम येदियुरप्पा ने डॉक्टर निर्मला नंदनाथ श्री से आशीर्वाद लिया। मठ के भैरव स्टेडियम में चल रहे खेल का आयोजन किया गया। साथ ही जेडीएस विधायक सुरेश गौड़ा ने येदियुरप्पा के पांव छूकर सबको चौंका दिया। कलाबुरागी में डीसीएम गोविंदा करजोला का बयान सामने आया। गोविंदा करजोल ने कहा है कि हाईकमान नए विधायक की स्थिति पर निर्णय लेता है। आयोग करने वालों को लोगों ने ही अयोग्य बनाया है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार भारी अंतर से जीतने में देश में नंबर वन बने हैं। डीसीएम और मंत्री का मुद्दा उच्च कमान पर छोड़ दिया गया है। ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಅನರ್ಹ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರೇ ಅನರ್ಹರಾದ್ರಿ. ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 17 ಜನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. मांड्या के आदि चुनचरगिरी से मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा। मांड्या जिले में जीत के मामले में कहा कि केआर पेटे में चुनाव जीतने का मेरा बहुत पुराना सपना पूरा हुआ है। नारायण गौड़ा को जिताकर मांड्या जिले में अकाउंट ओपन किया है। ये जीत मांड्या जिले में बीजेपी को भरपूर ताकत देगी। ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಮಗೊಂದು ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣಗೌಡರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕಾ ಅತಿಗಿರಿ ಮೇ ಶಿವರಾಜ್ ಹಡಪಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಡಿಒ ಎಸ್ಸಿಬಿ ಕೆ ಹತ್ತೆ ಚಡ್ ಗ್ಯಾ. ಪಿಡಿಒ ನೆ एनर्जी बिल को लेकर 5000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसको लेकर एसीबी अधिकारियों ने छापा मारा था। इससे पहले भी पीडीओ पर कई आरोप लग चुके थे। कलबुर्गी जिला के प्रभारी मंत्री गोविंदा करजोल ने अधिकारियों को जिले में अवैध रेत खनन को रोकने के लिए सख्ती चेतावनी दी। गोविंदा करजोला ने कहा, जिले में रेत माफिया बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। इस अवैध खनन पर अधिकारी उचित कार्रवाई करें। राजस्व, परोपकार, आरटीओ, पुलिस और खान भूस्खलन विभाग के अधिकारियों के तुरंत सभी बुलाकर इसको गंभीरता से लेने और रेत माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। कालाबुरागी जिले की चित्तपुर तालुक के अलूरा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। ग्राम पंचायत के अंतर्गत गांधी ग्राम का विशेष अनुदान में सोलर लाइट लगाने में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। मंजूरी लिए बिना और मार्केट प्राइस से ज्यादा मूल्य के सोलर लाइट लगाने के लिए टेंडर बुलाए और टेंडर में घोटाला किया। एजेंसी के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज कर और नियम तोड़ने वाले ग्राम पंचायती पीडीओ नागेंद्र के ऊपर संबंधित अधिकारी सख्त कार्रवाई करने के लिए गांव वालों ने कार्रवाई की मांग की है। जब इसके बारे में अधिकारियों से पूछा गया तो गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया गया। ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿರೋದು
ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಾವಿರ ದೀಪಗಳು ಈಗ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ. मांडिया जिले के केआर पट्टे तालुका में हाई टेंशन करंट के टॉवर पर चढ़कर किसान ने आत्महत्या की कोशिश की. जमीन के मुआवजे की मांग के लिए पहले किसान को धमकाया. पीड़ित ने बताया कि अधिकारियों ने मुझे मौजा दिए बना पुलिस उसे धमकाया है, फिर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की और मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए. अधिकारी के इस बर्ताव से घबराकर आत्महत्या की कोशिश की. हावेरी में एक युवक अपने दांतों से नारियल छीलने से सुर्खियों में बना हुआ है. ये युवक बस कुछ ही सेकंड में अपने दांतों से नारियल को छील देता है. वहीं नारियल छीलने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. युवक हावेरी जिले के हनागल तालुक के गाय रुगुड़ा बसापुर गांव का रहने वाला है. ಟೈಮ್ನಾಗ್ರಿ ಏನು ಕಣ್ಣಿ ಕುಡುಗಲಿ ಏನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕುಂತಿದ್ವಿ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕಾಯಿ ಸುಮಿತ್ತಾನ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಹೋದ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಆಯುಧಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಒಂದು ಬಾಯಿಂದನೇ ಇವ ಕಚ್ಚಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಿಂಗ ನಾವು ನಂಬ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಏ ಬಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡಿನಿ ಮಾಡಿನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸಂಗ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ತೋರಿಸಿದ. ಒಂಥರ ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯಿ ತರ ಪ್ರತಿಭೆ ಐತಿ. ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕಕ್ಕ ಇವ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಆಯ್ತು ಏನು ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾನ. ಆದ್ರೆ ಇವನೊಂದು ಛಲ ಐತಿ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೈತಿ. ಊರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈತಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ. ಏ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ನೀನು ದಂಡು ಪಿಂಡ ದಂಡು ಪಿಂಡ. धारवाड की पद्मा सिनेमा घर के आगे दर्शन के अभिमानी पटाखे उड़ाकर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की. दर्शन के फोटो पर दूध डालकर फिल्मों को अपनी शुभकामनाएं दी. चैलेंजिंग स्टार माने जाने वाले दर्शन की अभिनय फिल्म वादियां राज्य भर में रिलीज हुई. और फिलहाल कर्नाटक राज्य की खबरों में इतना ही. तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ. नमस्कार.